कटनी दिनांक 13/11/2023 को मुखबिर से सूचना मिली कि सार्थक ढाबा की चनीहटा मोड़ के पास सार्वजनिक स्थान पर जुआ के फल लगाकर बैठे हैं एवं जुआड़ियान ताश के 52 पत्तों पर हारजीत का दांव पैच लगा रहे हैं, जहां पर जुआड़ियान दो अलग अलग फलों में जुआ मन्ना खेलते हुए मिले हैं, जिनको घेराबंदी कर पकड़ा गया। पकड़े जाने पर नाम पता पूछा गया तो गोलू राहुल, अभिषेक शिवम, दीपक विजय, अशोक गुप्ता, पिता सीताराम निवासी गांधीगंज, वीरेंद्र निवासी कटनी के जुआ मन्ना खेलते हुए मिले, जिनके कब्जे से दूसरे फड़ से 9,200 रुपए, कुल 16,450 रुपए एवं प्रत्येक फड़ से 52 ताश के पत्ते प्राप्त होने पर जब्त किए, जिसमें थाना प्रभारी कुठला श्री अभिषेक चौबे के निर्देशन में उप निरीक्षक विनोद सिंह, सह उप निरीक्षक मनसुख साहू, प्रधान आरक्षक राजेश सिंह, आशुतोष यादव जैसे कई स्टाफ की जुआ फड़ को पकड़ने में विशेष भूमिका रही। कटनी से संवाददाता राजेश किवट की रिपोर्ट। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अभिजीत सर के निर्देशन में और हमारे एडिशनल एसपी सर और श्रीमती सीएसपी मैडम हमारी जो है उनके मार्गदर्शन में आज हमने एक जुआ रेड की कार्रवाई की है और हमने 8 जुआरियों को पकड़ा है और 16,000 कुछ रुपए हमने जो है हमारी टीम ने है उनसे बरामद किए हैं। और एक ढाबे के पास पन्ना रोड पर ये जुआ जो है वो चल रहा था और हमने इस पर अचानक रेड करी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि दीपावली का समय है, दीपावली के समय पर जुआ खेलते हैं लोग, तो हमने उन पर रेड करी जब, तो उन जुआरियों को हमने पकड़ा तो फिर बोले कि सर हो गई गलती, अब नहीं खेलेंगे जुआ, लेकिन हमने उन पर FIR दर्ज की है और हम लगातार दबिश देंगे, यदि किसी भी प्रकार की इस तरह की कोई अवैधानिक गतिविधि करते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कुठला पुलिस लगातार कार्रवाइयां करती रहेगी। ये जो जुआ है इसमें 8 जुआरी हैं और 8 जुआरियों से हमने 16,450 रुपए टोटल जो है दो अलग अलग फड़ों से जब्त किए हैं। 52 ताश के पत्ते जब्त हैं इसमें प्रत्येक फड़ से और इनके नाम गोलू राहुल, अभिषेक शिवम, दीपक विजय, अशोक गुप्ता हैं, ये पूरी जानकारी है और हम लगातार जो है कार्रवाइयां कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे किसी तरह की कोई अवैधानिक गतिविधियां थाना क्षेत्र में संचालित ना हो पाए।